हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर वीडियो मिलेगा जो नंदन पहाड़ का है। देवघर आप लोग जरूर आए होंगे घूमने के लिए। ये देवघर का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है और ये देवघर मंदिर जो हम लोग का बाबा धाम है वहाँ से बस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ आपको घूमने के लिए बहुत कुछ है, मतलब एक्चुअली ये पार्क है, बड़े लोग भी पसंद करते हैं, बच्चे लोग भी पसंद करते हैं। बच्चे लोगों के लिए खेलने का यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, झूला है आपका, स्लाइडर है, ठीक है, एक्वेरियम है, फिर आपका बोल सकते हैं आपका सू हाउस है, सेल्फी पॉइंट है। ये देखिए एक्सरसाइज करने का है, ये बच्चा देखिए, ये हम लोग एक बार घूमने गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ का वीडियो है। सभी लोग यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे किस तरह से, ये देख कितना फिट हो गया है एक्सरसाइज करके। ये देखिए ससरने वाला, यहाँ पे ये राक्षस का बना हुआ है जो बच्चे लोग कान से उसके जीव से निकल रहे हैं। चारों तरफ घूम के आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 3 तरह का है। ये देखिए सेंटर पॉइंट जहाँ से बच्चे लोग अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से वो लोग इसका मजा ले रहे हैं। ये आपका देवघर से आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, और देवघर से यहाँ आपको आने के लिए टोटो मिलेगा, टेम्पो मिलेगा, ऑटो मिलेगा। सावन के समय यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहता है, फिर अभी जैसा टाइम होता है तो कुछ भीड़ कम रहता है दूसरे सीजन में, बट सावन में आइएगा तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। ये पार्क है, फूल बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लगाया गया है, और ये आपका ये देखिए। ये देखिए कितना हरा भरा है, यहाँ पे विभिन्न तरह के फूल पौधे लगाए जाते हैं, और नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल। ये एक्सरसाइज करने का देखिए कितना अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं बच्चे, बच्चे बड़े सब लोग। ये छोटा वाला बच्चे का है, ये देखिए अभी मैं भी थोड़ा ट्राई किया था इस पर। अभी आपको एक एक करके सारा, ये बोटिंग एरिया जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली पॉन्ड है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए बगल से ट्रेन जा रही है जहाँ पे, ये जस्ट उसके बगल से देवघर से ट्रेन जाती है जसीडी का, तो वही ट्रेन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जस्ट इसके बगल से ही पार होता है। ये अंदर वाला कैफेटेरिया वाला इलाका है, यहाँ सामने चलिए दिन में धूप का समय था तो कैफेटेरिया स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये झूला देखिए, ये 3 बच्चे किस तरह से झूल रहे हैं, ये लोगों में कंपटीशन लगा हुआ है कौन कितना अच्छा झूल सकता है। और ये कोरोना का टाइम था इसलिए हम लोग मास्क थोड़ा लगा रहे थे, बट मास्क हर समय लगाना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए तारामाची, ये मिनी तारामाची, इसमें घूमने का अच्छा रहता है, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है थोड़ा देर के बाद। ये फ्रॉग राइड यहाँ, मतलब जो वो आपका टॉय टाइप का है जिसमें बैठ करके आप, ये बहुत ही ये उछलते रहता है हर टाइम। ये देखिए यहाँ महिलाएँ भी झूला झूल रही है अच्छे तरीके का, सभी का यहाँ पे फैमिली का पूरा ध्यान रखा जाता है, सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये छोटा भैया इलेक्ट्रिक कार, ये बच्चे लोगों के लिए, जो 5 साल 6 साल के बच्चे हैं वो लोग यहाँ बैठ के आराम से गाड़ी चला सकते हैं। आप लोग भी आइए पूरे परिवार के साथ, कुछ ज़्यादा खर्चा है नहीं आने के लिए। देवघर जो लोग आते हैं वहाँ से बस 1-2 मैंने छोटा डिस्टेंस का है 15 मिनट। ये भूत घर, ये एक्चुअली बहुत ही डरावना था, यहाँ सब बच्चे घुसे थे, इसका हम यहाँ पे अपना वॉइस नहीं देंगे क्योंकि इसका खुद का जो रिकॉर्डिंग वॉइस है वो बहुत अच्छा है, उसे देख करके बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, ये आप लोग इसका आनंद लीजिए, बाकी आगे मैं बताऊंगा आगे और क्या क्या चीज़ है। Thank you.
ये देखिए तारामाची उस टाइम बंद था और ये अब स्टार्ट हो गया है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, एक्चुअली बहुत हाइट पे है और यहाँ से नीचे का सीनरी देखने में बहुत अच्छा लगता है। स्पीड देखिए, स्पीड पकड़ चुका है, थोड़ा रिस्की है बट सेफ्टी के साथ आप लोग देख सकते हैं। ये ग्लास हाउस है, इसके अंदर बहुत सारे मिरर्स हैं जहाँ आपके मतलब आपको फोटो, कभी आप मोटे हो जाएंगे, कभी आप पतले हो जाएंगे, कभी आपका नाक टेढ़ा हो जाएगा, कभी आपका कान लंबा हो जाएगा। यहाँ आप हंसने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जो लाफिंग हाउस बोल सकते हैं, ग्लास हाउस बोल सकते हैं। ये देखिए किस तरह से सबका चेहरा किस तरह से घूम जा रहा है, कोई मोटा हो जा रहा है, देखिए ये एक्चुअली मोटा हो गया, ये देखिए लंबा गर्दन किसी का लंबा हो गया, नाक लंबा हो गया। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े मतलब अंदर और भी चीज़ देखने के लिए, आगे एक्वेरियम है, मतलब एक्वेरियम यसू हाउस, ये जो दिख रहा है यसू हाउस, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, यहाँ आप सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ नीचे का सीन पूरा देवघर दिखाई देता है, मंदिर भी दिखाई, नीचे देखिए टॉय ट्रेन जा रही है, वो पहाड़ के चारों तरफ घूमता है एक्चुअली। उसमें हम लोग बाद में आपको वो हम लोग एक्चुअली टाइम नहीं मिला उस दिन, तो नीचे टिकट मिलता है, वहाँ से बैठ करके पूरा चारों तरफ घुमाया जाता है आपको। पूरा देवघर देखिए पहाड़ से किस तरह दिख रहा है, बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। आप लोग जरूर आइए एक बार, 100% है, आने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ नहीं आए आज ज़रूर कुछ मिस हो जाता। ये देखिए एक्वेरियम, ये एक्वेरियम एक्चुअली बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे बहुत तरह की मछली, टाइगर फिश है, जेली फिश है, और आपका एक आपका गोल्डन फिश आप देख पा रहे हैं, और आगे ये देखिए ये आपका ब्लैक कैट फिश है। बहुत तरह की मछलियाँ यहाँ पे हैं, आप देखिए और लोगों को अच्छा लगेगा, बच्चे लोग बहुत पसंद करेंगे। एक्चुअली टिकट यहाँ पे 3 रुपये टिकट लगता है इसमें, ये देखने के लिए, बाकी सारे जगह टिकट फ्री है, एक्वेरियम में आपको अलग से देना पड़ेगा। ग्लास हाउस में 3 रुपये करके टिकट था, कोई ज़्यादा प्राइस है नहीं। और तारामाची में अलग से, ये सू हाउस, ये देखिए सू हाउस, और ये झूला है सू हाउस के जस्ट नीचे वाला, ये देखिए ये लड़की किस तरह से झूल रही है। छोटा मोटा कैफेटेरिया आपको अंदर मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा कैफेटेरिया नहीं है, बट आपका नाश्ता वास्ता ठंडा ये सब मिल जाता है यहाँ पे। बाकी इसके बाद हम लोग आगे पार्क, वहाँ पे एक नंदी वाला है जो आपको मेन गेट पे निकलते समय आपको दिखाएंगे नंदी का। ये देखिए ये पॉइंट आप लोग देखे होंगे, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे सब लोग आके सेल्फी जरूर लेते हैं, ये आपका फोटो पॉइंट बोल सकते हैं नंदन पहाड़ का। यहाँ पे आप सबके साथ खड़े हो ये फोटो खिंचाइए, एक फाउंटेन है बीच में और ये फाउंटेन के पास आप आराम से फोटो लीजिए। और ये आपका जो पहले मैंने दिखाया था घोस्ट हाउस, जहाँ पे भूत वाला सीन था उसका बाहर, ये बच्चों लोग के लिए डिज्नी वाला जो रहता है जंपिंग के लिए, छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत ही उनको आनंद आता है। ये इसका टिकट शायद 5 रुपये कुछ होगा, और ये अच्छी जगह है, यहाँ आप घूमिए फिरिए, बच्चों लोगों के लिए टाइम पास है। ये देखिए किस तरह से वो लोग मज़ा ले रहे हैं। बाकी बोटिंग का एक्चुअली उस टाइम पे बंद था कोविड के कारण, कोरोना के कारण। बोटिंग का आपको तो तालाब हम पहले दिखा चुके हैं वीडियो में, वो नीचे होता है और शायद 20 आवर्स 20 रुपये में एक घंटा, ज़्यादा घंटा कुछ चार्जेस होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, महंगा नहीं है। और ये आपका है फ्रॉग वाला, जंपिंग फ्रॉग वाला, सभी लोग देखिए बैठे हुए हैं, इसमें भी स्टार्ट होने वाला है। इसका शायद पर पर्सन 15 रुपीज़ की टिकट है। ये देखिए स्टार्ट हो गया, देख किस तरह से उछलते हुए आगे जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को एक बार ज़रूर आइए। और देवघर एक टूरिस्ट प्लेस में से नंदन पहाड़ बेस्ट है, और भी यहाँ पे हैं जैसे त्रिकुटी पहाड़, तपोवन, नौलखा मंदिर, नंदन पहाड़ तो है ही, बाकी बाबा मंदिर। ये हम लोग का अभी निकलते टाइम देखिए मूर्ति कितना अच्छा है, बंदर का मूर्ति है, यहाँ आप देख सकते हैं एक बच्चा के साथ बैठा हुआ है। आगे आप लोग भी देखिए निकलते टाइम का ये वीडियो है, यहाँ पे शिव जी का मूर्ति बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप बैठ कर फोटो खिंचा सकते हैं बच्चों लोगों के साथ, एक बड़ा शिव जी का मूर्ति है, ये अभी दिखाई देगा आपको वीडियो में जस्ट आगे। ये देखिए यहाँ पे शिव जी का मूर्ति है, यहाँ फोटो वोटो खिंचाइए। अभी निकल रहे हैं हम लोग, मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं बाहर के रास्ता, और नीचे का दृश्य देखिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है आपको। ये फूल देखिए चलिए कितना बड़े बड़े गेंदा फूल, सब तरह के फ्लावर, छोटा बच्चा किस तरह मजा ले रहा है देखिए। और फिर हम लोग निकले, ये मेन गेट है बाहर का, ये नंदी जी हैं, उनका बहुत बड़ा ये मूर्ति है, ये बहुत फेमस है एक्चुअली, बहुत बड़े हैं यहाँ पे, सब लोग फोटो खींचे निकलते टाइम को वीडियो, सीढ़ी से नीचे का रास्ता है यहाँ से हम लोग एक्चुअली। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।